राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग के 11, 12, 13, 14 और 15वें श्लोक का वर्णन करने जा रहे हैं। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सर्व कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।